हेलो सब तो पहला ये छोटी सी कलाकार वालों साड़ी छोटी सी पार्टी वालों उस वाहिगुरु की रजा उस परमात्मा की इजाजत लेंदे हुए फतेह बुलाते हुए वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। असं शुक्रगुजार हाँ कमेटी के अंदर जिन्हें भी सत्कार योग मैंबर्स ने जिन्हें छोटी जी पार्टी को बुला के बहुत सारा मान ते सत्कार बख्शा। फिर शुक्रगुजार हाँ साडे पत्रकार साहबान साडे मूवी मेकर्स फोटोग्राफर्स सब तो वध शुक्रगुजार हाँ साडे स्रोतियां दे जिन्हें इन्नी गर्मी के बावजूद हर कलाकार नूं मान ते सन्मान ते प्यार बख्शा। आज का दिन मेरे लिए बहुत भाग्या भरी है क्योंकि हमेशा मैं माणक साहब नूं पसंद करया करदी सी ते मैं जदों गायकी शुरू की ते मैं इन्हां दे पूरनिआं ते तुरी जदों कितें मैं कलियां शुरू कीतियां तां मैनूं इन्हां दे नाल नाल इक आसरा जरूर मिलिया कि बीबा तुसीं अगर माणक साहब दीआं लीहां ते तुरे हो तां परमात्मा तुहाडे नाल जरूर रहेगा। मैं अज शुक्रगुजार हाँ कि जिस हस्ती नूं मैं प्रेरित रख के गाउणा शुरू कीता अज उह सामणे बैठे ने। कहिंदे जिन्हां नूं आपां उस्ताद मानदे हां अगर वह हस्ती सामने बैठी होवे तां गाउणा भी औखा लगता है पर फिर भी कहिंदे कम करदे हज़ारां गलतियां हुंदियां ने कम करदे गलतियां होणगियां उहनां गलतियां दी माफ़ी असीं पहले ही मंगदे हां। हाँ जी केड़ी मूवी वाले की तकलीफ है जी ये तो चार कुंगलों का बंदा है जी कोई बड़ी तकलीफ तो है नहीं वध तो वध दो बंदियां दा योला कर सकदा इदों वध नहीं हुण मैनू खड़ा दो कि मैं एक बंदे नूं भी नहीं रोक सकती पिछे देख लो सारे दिसणगे। काका जी तुसीं थले आ सकते आ जी जी आ जी वैसे मेरा मूँह इन्ना सोहना नहीं है शुक्रिया। स्टेज की शुरुआत करन लगे हाँ उन्हां योधवियां सूरमियां दी गाथा तो वैसे दाते ने शक्लो सूरत मैंने बड़ी सादी जी बख्शी सी बड़ा सादा मरादा जिहा चेहरा दिता सी पर जिहड़ी मत्थे दी लकीर है वह बड़ी खूबसूरत दिती। साडे सियाणियां दा कहना है कहिंदे जदों परमात्मा इहनूं खूबसूरत खूबसूरत कर दे इहनूं दगन ला दे उदों सादे चेहरे भी दगन लग जांदे ने। कहिंदे जदों आ बड़रूप हो जाए उदों कोई नहीं पुछदा सोहणियां तो सोहणियां शकलां भी मिट्टी च मिल के रह जांदियां। इस करके साडे बजुर्ग लोगों का कहना है कि बंदे की एक चीज़ का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है वह है तपस्या। कहिंदे जिस इंसान की तपस्या खूबसूरत होंदी है उहदी रोशनी हेठ शरीर के कज कोई मायने नहीं रखते लोग के रह जाते हैं। आप पीरां फकीरां की हर धार्मिक जगह पर जाने कई बार फोटो लगिया होंगे अंदर जाके कदे वेखे भी नैन नक्श किदां दे बाणा महंगा पाया कि सस्ता पाया उन्हां दी तपस्या का चानण यह होंदा कि उधर सोचण का टाइम ही नहीं मिलता। कहिंदे राजे तो राजा ते पखारी तो पखारी जाके नमस्कार करदा किस चीज़ नूं नमस्कार करदा उन्हां दी कुर्सी नूं उन्हां दी तपस्या नूं। कहिंदे बंदे दी कुर्सी हमेशा मजबूत होनी चाहिए है कहिंदे जिस बंदे दी नींह मजबूत है उन्हूं हिलाउण वाला कोई नहीं जामे। कहिंदे हमेशा आपदी नींह मजबूत रखो कई बंदे नींह नूं कमजोर रख लैंदे ने ते उत्तों कोठियां पाई जांदे ने उह कोठी कदे ना कदे दगा दे जांदी है। कहिंदे हमेशा नींह मजबूत होवे घर भावें उत्तों कच्चा ही होवे उह घर कदे दगा नहीं देता हमेशा इन्हां चीज़ां वल ख्याल रखना चाहिए। कहिंदे पैसा शौहरत हुसन ये अज आया कल गया। कहिंदे पैर पैर ते बदल है जाना काम नहीं बंदे दा गल करन तो पहला सोच ले चंगे मंदे दा उतरे बंदा पूरा कढ़े बोल जबाना चो सूरमियां दा काम नहीं जाना भज मदाना चो। जाना काम नहीं बंदे दा गल करन तो
ਜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਗੀਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਸਾਂ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਕਰ ਭਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮਲ ਮਲ ਧੋਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੈਲ ਘਨੇਰੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਸਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਧੰਨੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਨੱਕੇ ਰੱਬ ਮੋੜਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਬਲਬੀਰੋ ਭਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵੜਦੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਰੇ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਨਨਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਕਲੀ ਯਾਰ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਡੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲਦੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਘਰ ਲਟਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲਦੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੁੱਤੇ ਦਾ
चाहिदा नहीं रहना कदे चौकीदार दे होके ते करना की ओ यार जो कम ना आवे मौके ते करना की ओ हथियार जो कम ना आवे मौके एक माड़ा हथियार दूजा मुल दा प्यार तीजा कौली चट यार नहीं ओ लगियां नभाउंदे नहीं ओ लगियां नभाउंदे शहर गया सी लारा ला के आ गया खाली हाथ लमका के कहिंदे जे बंदा सवेरे कोई चीज जनानी नूं लैण वास्ते कहि जे ना जनानी सारा दिन भज्जी फिरदी है कम करके भी अज मेरे लिए पता नहीं कि चीज आनी है पर जो उन्होंने खाली हाथ आता देखती है फिर एक ही गल कहती है शहर गया सी लारा ला के आ गया खाली हाथ लमका के मैं कमली सी बिच ख्याली अंबरी पींगा झूठ दी वे तेरी सड़जे लंबरदारी सुथण ना लियाया सूफ दी तेरी सड़जे लंबरदारी सुथण ना लियाया सूफ कदे कदे यह भी शिकायत कर दिया ने कि रोब शोभ नाल रहिंदा किसे तो घट कहाउंदा नहीं रोब शोभ नाल रहिंदा किसे तो घट कहाउंदा नहीं पी के दो घुट दारू बन के जट विखाउंदा नहीं निक्की निक्की गल दे उत्ते करदा रहिंदा अड़ियां नहीं निक्की निक्की गल दे उत्ते करदा रहिंदा अड़ियां नहीं पीती दे विच कह ही दिंदा तेरे वर्गियां बड़ियां नहीं निक्की निक्की गल दे उत्ते करदा रहिंदा अड़ियां नहीं पीती दे विच कह ही दिंदा तेरे वर्गियां बड़ियां नहीं डुल डुल पैंदे जोबन नूं ना कदे सलाउंदा नहीं पी के दो घुट दारू बन के जट विखाउंदा नहीं हुण आपां गीतां राहीं वेखणा वी की कुछ आउंदा है सब तो पहला मेरी एक सोचनी है मानक साहब कि शीशा जिहड़ा बंदे दा सब तो वड्डी दवाई है कहिंदे जदों आपां दफ्तर जाने आ गाउण जाने आ किसी भी काम जाने आ मैं कहिंदी बंदा खेत जांदा तां वी ओह पग नूं माड़ा मोटा भावें विंगी तिंगी बनी होवे देख के जांदा ते शीशा किसी बंदे नूं नाराज नहीं करदा किसे नूं गोरा वेख ले काला वेख ले उच्चा लम्मा मेढा तिखा जिहड़ा मर्जी वेख ले सब नूं ऐ कहिंदा वी तेरे वर्गा भाई कोई नहीं हुण जदों कदे मैं भी रूह नाल तैयार हुंदी आ ते मैनूं ऐ लगदा वी मेरे वर्गा कोई नहीं जे किते शीशा ऐ कहदे वी तेरे वर्गियां तां 3500 फिरदियां मैं नाल दी नाल नर्वस सिस्टम डाउन हो जाए ते मैं अद्धी बीमार हो जाऊं लोग कहिंदे वी दवाइयां नाल इलाज हुंदा है मैं कहिंदी आ 70% शीशा बंदे दा इलाज करदा है क्योंकि हर बंदा हर औरत शीशा देख के तैयार हुंदी हुंदी है हुण मानक साहब आए ने तुसीं वी तां शीशा वेख के आए देखणा सी मैनूं देख के तां कुछ नहीं मिलना जी मेरे माली तो बैठे ने जी कहंदे ओ पानी दे गलास नू कदे पीण दी तमन्ना ना कीरो करो जिहदा मालक बैठा होवे कहंदे ओ गलास नू हमेशा हाथ मारो जिहदा कोई वाली ना होवे मैं कहनी सौ च एक ही हुंदा जिहदा कोई वाली ना होवे गैर कानूनी जां गैर ढंग नाल हुंदे तां हुंदे ही है वाली वाली दो तरह दे हुंदे जी एक तां परमात्मा बनाउंदा है ते एक पाप बना लैंदे आ क्यों जी कोई ना कोई तां जरूर होऊ जिवें लिखण वाले ने लिखिया कहिंदे मेरे वर्गा सोहणा इस दुनिया विच होर कोई जम नहीं सकदा मेरे वर्गा सोहणा इस दुनिया विच होर कोई जम नहीं सकदा हर बंदे नूं शीशा वेख के इहो गरूर हुंदा मेरे वर्गा सोहणा इस दुनिया विच होर कोई जम नहीं सकदा हर बंदे नूं शीशा वेख के इहो गरूर हुंदा है कहिंदे हुण रब भी मेरे सामने नहीं झाक सकदा हुण रब भी मेरे सामने नहीं झाक सकदा हर बैली बंदे नूं इहो फतूर हुंदा है कहिंदे लम्मी जिंदगी कदे नहीं भोग सकदा लम्मी जिंदगी कदे नहीं भोग सकदा माड़े कम्मां च जिहड़ा मशहूर हुंदा है कहिंदे कतल करन जद कदे दोवें कतल करन जद कदे दोवें नाल जट दे मज़हबी जरूर हुंदा है नाल जट दे मज़हबी जरूर हुंदा है नाल जट दे मज़हबी जरूर हुंदा है कला जट कारा कदे नहीं करदा जदों 15 दिन मोटर ते इकट्ठे वेखे जाण तां समझ लो कोई वाका होण वाला वैसे एक गल है कहिंदे सारे रिश्तेदार भी खैड़ा छड़ जांदे आ पर यही कौम है जिहड़ी जट दे नमक दा हक अदा करदी है जे सुख च साथ दिंदी है ते बराबर दुख च वी दिंदी है इसे करके गुरु साहब दा खिताब सब तो पहला इस कौम नूं मिले है रंगरेटे गुरु के बेटे सब तो पहला सुचे यार बिना मेरा जी नहीं लगदा कलेटा बिना मेरा जी नहीं लगदा कल्ली दा
कहते सौ तेरी जिस तन लागे सो तन जाने इश्क बीमारी। जिमें लिखने वाले ने लिखे बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। के गिद्धियां चो गिद्धा गिद्धा है पंजाब दा, गिद्धियां चो गिद्धा गिद्धा है पंजाब दा, पानियां चो पानी रावी ते चनाब दा। कहते तोरा विचो तोर फिर जट्टी दी नियारी है, जट नू जमीन जान तो प्यारी है। कहते मर्द दी जिंदगी च औरत ते जमीन दोनों का एहो जा विशेष दर्ज है। कहते इन्हां कोले किसी का खड़ना तो बहुत दूर, मर्द किसी का परछावां बर्दाश्त नहीं करता। आए टांगा या फिर पाए टांगा, गिद्धियां चो गिद्धा गिद्धा है पंजाब दा। गिद्धियां चो गिद्धा गिद्धा है पंजाब दा, पानियां चो पानी रावी ते चनाब दा। गिद्धियां चो गिद्धा गिद्धा है पंजाब दा। मुलाजम साहबान ऑफिसर साहबान बहुत सारा मान करके गए, इन्हों का ड्यूटी का टाइम सी, पर फिर भी अस शुक्रगुजार हाँ। पिंड
ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਏ ਕਰ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਏ ਕਰ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਚੰਡੀ ਕਰ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਚੰਡੀ ਕਰ ਬਈ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਖਮ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮਲਮਾਲਾ ਜੋ ਲੜਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਦੇ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਯਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਉਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਦੋਨੇ ਗ੍ਰਾਹ ਘਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਆਉਗਲਾ ਮੂਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
कहते जो घर के अग बालते हैं ना तो जी चूल्हे को बैठी होंगी उन्होंने धूं घट लगता हों गुआढ़ियों ज्यादा लगता हों कोई भी गल धी पुत बारे फैलती है माँ प्यो नहीं पता लगता गुआढ़ियों पहला पता लग जाता सारे शहर से गल पहला उठ जाती है क्यों नहीं पता लगता माँ बाप को क्योंकि उन्होंने यकीन ज्यादा होंगे वो सोच ही नहीं सकते भी साडा बच्चा एड्डी गलती कर सकता होर कोई वह अन्ने नहीं होंगे उन्होंने प्यार चन्ने हुए होंगे कहते जेडे लोग प्यार चन्ने होंगे ने उन्हों का बहुत बुरा हाल होंगे कहते तेरे इश्क का जादू बेसर चढ़ के बोल पिया ना छुपदा छुपाया तो भेद दिलों के खोल गया वेड़े इश्क दे बढ़दा जो वेड़े इश्क दे बढ़दा जो बिना बालणों सड़दा वेड़े इश्क दे बढ़दा जो बिना बालणों सड़दा हो ये तकड़ी दुनिया दी विच प्यार दा तोल पिया तेरे इश्क दा जादू वे सिर चढ़ के बोल पिया तेरे इश्क दा जादू वे सिर चढ़ के बोल पिया हम साड़ियां भैणा बैठियां ने कहिंदे औरत बिना घर च रौनक नहीं होंदी पर कहते निके निके चा जे औरत नहीं पूरे करते फिर ब्याह शादियों से रौनक नहीं होंगी वैसे अजक कपड़िया वधिया कर ले बहुत कुछ चलिया हुआ तरह तरह के सर्फ ने साबण ने लिक्विड ने पर आज तो बहुत साल पहला मेरा ख्याल 50-60 साल पहला मानक साहब बना जी कलमी छोरा होंदा सी शायद तुहाड़ी भाभी ने भी कहा हो लिया दे उरा तेरा कुर्ता धो दिया बिच पा कलमी छोरा क्योंकि जी ये भी तो किसी के देवर रहे ने कहते जदों खास करके भाभी नूं कोई गर्ज होंदी सी जां रिश्ता करवाउणा होंदा सी जां कोई बाजारों चीज मंगाउणी सी होंदी सी तां बड़े प्यार नाल कहिंदी सी कि लिया दे उरा तेरा कुर्ता धो दिया बिच पा कलमी छोरा लिया दे उरा तेरा कुर्ता धो दिया बिच पा कलमी छोरा वे बिच भरजाइयां दे बोल कलहरिया मोरा बोल कलहरिया मोरा बिच भरजाइयां दे
हेलो वाज जान दिए कि काट जान दिए काका नहीं जी सच है वोल्टेज कई बार बढ़ जाती है ता भी प्रॉब्लम आती है जो वोल्टेज घट जाए ता भी प्रॉब्लम होती है कई बार तार स्पार्क कर जाती है बड़े सियाने खास करके दुआबा एरिया तो बहुत सेना गया है बाकी तुसी बहुत बढ़िया लगते हो बोलन चालन की नॉलेज इज्जत का सारा कुछ पता है पर आप पुड़पड़िया को बाल क्यों उड़ा लें हो मैं जो नवी नवी इस एरिए आने लगी ना मैं बड़ा डरिया करा कन्ना च मुंदर गिची खाली जमा भलवाना मंगू मैं कहरा करा भी ये बंदे नहीं बदमाश ज्यादा लगते ये रियलिटी है जी आप बाबा जी की दरगाह से खड़े हाँ तो मैं एक दो बारी आई मैं क्या जसविंदर तेरा कुछ नहीं वटिया जाना भी आप होर तरह के गायक हाँ ज्यादा लोग तो इतने ज्यादा सिंपल जे गाने गाने वाले हैं पर जो तो मैं प्रोग्राम लाया इन्ना प्यार इन्ना सत्कार मिले हूँ भाई मैं थोड़ा डर न हट गया ना समझो मैं थोड़ी इज्जत नहीं करती डर जिम्मे हम साढ़े मुलाजम साहबान पिछे खड़े ने डंडा ले नहीं है कहते पुलिस वाले होए कलाकार होए ड्राइवर होए तिना दुनिया बख्शदी नहीं बख्शदी ना कहते गाने वाली बीबी भावें स्टील के गिलास चाह ही पीती है सत्तर जने चुप्पी मारन तक जाते गिलास च भी पता नहीं की है भी पता नहीं की पी जाती ये शक सही नहीं कहते जे कोई अच्छा इंसान भी है उन्होंने भी दुनिया जिओ नहीं दिखती माड़े को तो जिओ की देना मैं गल सुना लगी हूँ साढ़े मुलाजम साहबान पिछे खड़े ने कहते एक बार कोई बहुत भगत बंदा से उन्होंने पैसों की लड़ पै गई वो कहना दुनिया तो नहीं मंगना दुनिया तो अज दे के कल उन्होंने मेहना दे दी है कहना मैं सीधा रब तो मंगू उन्हें रब न चिट्ठी लिख दी कहता रब जी मैंने 10,000 रुपया की लड़ है तो मैंने छेती घलो हूँ डाकिए ने जो चिट्ठी फड़ी कहना यह तो कोई दरवेश बंदा हूँ रब को चिट्ठी ले जाने भाई मैनू रब को जाना पऊ भी हाले मैं जवानी पै रहा जो मैं जाना नहीं चाहता उन्हें की किया सोच विचार के चिट्ठी थाने च मुंशी को पढ़ाई SHO साहब को हूँ उन्होंने जो चिट्ठी पढ़ी तुसी भी खाली हो ठीक है जी कहते भाई ये तो बंदा दरवेश है कोई इनू आए ना दस्यो भी पैसे आप दिते है नहीं ये दिमाग से सट वजू आए करो भाई भी सारे मुलाजम 100-100, 200-200 इकट्ठा करके 10,000 रुपये का इंतजाम करो हूँ थोनू पता है भी तनखाह ना बनता कि आथ न 15 चलान कट्टन तो रोटी नहीं पूरी आती एक गल है जिन्हें मर्जी कागज पूरे कर लो जे इन्होंने सोच लिया भी चलान कट्टना कोई बात नहीं सकता भावें जिन्ने मर्जी पूरे हो हुण उन्होंने की किया जी तनखाह चो बचता की अजकल रोजी रोटी मसा पूरी आँदी है तो 5,000 रुपया कट्ठा हो गया हूँ SHO साहब कहते चलो आप दे के आने वो जो दरवाजा खड़काया कहते भाई फलाना साहब घर है कहना हाँ जी घर है कहते भाई रब जी ने ना तेरा एड्रेस नहीं पता सी तो उन्होंने चिट्ठी थाने च भेज दी तो 5,000 रुपया तो आ चक 10,000 का इंतजाम रब तो नहीं होया इनाम का टिक्का पता की दिता सुनी जाए 5,000 फटाफट फड़िया जेब च पाया कहिंदा ओहो रब ने भेजा तो 10,000 ही होना 5,000 तुसी पुलिस वाले खा गए भला करन दा टाइम भी है नहीं जी अजकल देखो किन्ना तकड़ा भला कीता कहिंदे जिहड़ा एक बारी बदनाम हो जाओ जिन्ना मर्जी चंगा बन जाए उन्होंने दुनिया नहीं बख्शदी जिवें इक लाणे ने लिखिया कि मगरमच्छ दे हंझू नकली यार बहाउंदे ने मगरमच्छ दे हंझू नकली यार बहाउंदे ने दाल लगे तो बुक्कड़ दे सप डंग चलाउंदे कहिंदे दीन धर्म तो हल्ले दा इतबार नहीं हुंदा नमक हरामी बंदे दा कोई यार नहीं हुंदा कदे वेसवा दा कोई दिलदार नहीं हुंदा समझ सबर नाल चले कदे खुवार नहीं हुंदा कहिंदे जने खड़े नाल लोको इश्क वपार नहीं हुंदा पवन जी आ चीकां मराउणियां कदों बंद करोगे कहते जिंदगी च पांच चीजा ने जड़िया दुख भी दिंदिया ने ते सुख भी दिंदिया ने पहलियां पांच चीजा कहते पिपल बोड़ शैतूत बकैन टाली पिपल बोड़ शैतूत बकैन टाली शामा ठंडिया दिंदे ने रुख पंजे कहते शेर शिकरा कंजरी पलवान बैली शेर शिकरा कंजरी पलवान बैली बुढ़े होए ने भोग दे दुख पंजे बुढ़े होए ने भोग दे दुख पंजे लीडर मंगता बकरी चोर लागी लीडर मंगता बकरी चोर लागी रजण बाद भी छड़ना भुख पंजे रजण बाद भी छड़ना भुख पंजे
कहते बकरी खा खा के आथन तक आथर जाती है पर मुंह मारनो नहीं हटती, सूआ मार के इलाज करना पड़ता है। उस तरह लीडर करोड़ा रुपया हड़प कर जाते हैं पर फिर भी कहते जे अगले पांच साल साढ़े आ जाए धजियां उड़ा दी मंगता सैटिस्फैक्शन कदे नहीं आती। आथन नूं भावें 500 मंग ले भावें 1000 मंग ले 150 होर मंग ला लागी जिहड़े अपने घरां च आउंदे ने विआह शादियां ते भावें 10000 रुपया लागदा इकट्ठा हो जाए पर टिक्की छिपण तक फिर भी इंतजार करते हैं भी जे कि तू 50-10 लाख की होर मिल जाए। इस करके लिखण वाले ने लिखे कि लीडर मंगता बकरी चोर लागी रजण बाद भी छड़न ना भुख पंजे देगा हिजर बदनामी वैर करजा देगा हिजर बदनामी वैर करजा लें देखो इंसान का सुख पंजे लें देखो इंसान का सुख पंजे है पांच पांच चीजा पर है बड़िया खतरनाक मगरमच्छ के हंजू नकली यार बहाते ने। उस तो बाद साढ़े बीबा जी का मेरा ड्यूट है हाँ जी मगरमच्छ दे हंजू नकली यार बहाते ने मगरमच्छ दे हंजू नकली यार बहाते चला।
बाबा माणिक साहब थानू कदे पछतावा तो नहीं होएगा कि फीमेल थोड़ी शिगिर्द बनी है। मैं मनो थानू उस्ताद धारिया हो पर थानू अज तक नहीं पता भी कोई जसविंदर कुड़ी है जिहड़ी मेरिया लीहां ते तुर रही है। शुक्रिया क्योंकि कहिंदे इन्ना अच्छा कलाकार होवे तो उहदियां मगर लीहां ते तुरन वाला कोई ना कोई जरूर चाहिए। तो इस लीह नूं मैं कोशिश करांगी जद तक गावांगी कि बाबा माणक साहब की लीह नूं मैं कामयाब रखने की कोशिश करूंगी जद तक वल परमात्मा ने बख्शिया। कहिंदे इक नट खड़ जा गीत है साढ़े मुलाजम साहबान खड़े ने एक थोड़ा जा हस लीए जी आप गीतां दे नाल नाल। कहिंदे पंजाबी हुंदा ना वह कदे धरिया टकिया नहीं रहिंदा। मैं थोनों एक छोटी जी गल सुनाउण लगी है तो टेढ़ी जी गल पर है पंजाबी दी जबान दी गल। कहिंदे कोई जट्टां दा मुंडा सी कन्नों बहरा सी जबानों गूंगा सी ते खेत च कम करी जावे। बड़ी सुनण वाली गल है जी एक जवानी दी उम्र ते एक पंजाबी होवे दोनों बड़िया खतरनाक चीज़ां ने ये छेती किते टिकदियां ने। हुण कुदरती शिवजी ते पार्वती दा जी करिया आ वी आपां धरत लोक ते चलीए दुनिया दा हाल चाल पुछीए। हुण ओह दोने जदों कोल दी टप्पे ते राह भुल गए जिधर नूं जाणा सी। पार्वती कहिंदी जो मुंडा खेत च कम करी जांदा है उहनूं तुसीं राह पुछो। शिवजी हुण जाणी जाण सीगे कहिंदे रहण दे रहण दे जट्टां दा पुत्त है रहण ही दे आपां सिद्धे ही जांदे आ। तुहानूं पता है जनानी जदों अड़ जाए परलों आ जाती है पर आपकी जिद ते अड़ जाती है। कहिंदी जी मैं तां इत्थे ही रह जूं धरत लोक ते तां नहीं जांदी स्वर्ग लोक च पहलां पुछो उहनूं राह। कहिंदे काका आ राह कित्थे जांदा है। हुण उहनूं बेचारे नूं कुछ ना सुणिया क्योंकि वह बहरा ते गूंगा सी ते पार्वती नूं बड़ा तरस आया। तुहानूं पता है जनानी हमेशा नाजक दिल दी हुंदी है। कहिंदी जी इन्ना सोहणा मुंडा पर जवान 18-19 साल की उम्र है तो दो एडे वे नुक्स यदा तो बेचारे का विह शादी नहीं होना माँ बाप की सेवा किमें करूँ। ऐ करो इनू कन्नों सुनन लाओ तो जवान दौ। शिवजी कहते रहन दे पछताएगी। कहती जी नहीं नहीं तुम मेरे एक गल मन के देखो। कहते औरत की तो फिर देश के प्रधानमंत्री भी मननी पैंती है घरें जाकर उन्होंने भी सल्यूट मारना पैदा है। माणक साहब न बाहर दुनिया सल्यूट मारती है तुम बीबी जी ने मार दो ना सल्यूट जाके नहीं तो भाई रोटी नहीं मिलती। हर बंदे नूं सलूट मारना पैंदा वेख लो जिन्ने पंचायत मैंबर कोई बंदा यह कहते भी मैं सलूट नहीं मारता जाके। ये कहते सीट है जिहड़ी किस्मत नाल मिलती है ना वोटां नाल मिले ना नोटां नाल मिले। कहते जे कि वोटां नाल मिलती होंगी अपने देश के प्रधानमंत्री कदे छड़े ना रहिंदे पता नहीं कित्थे जाके उच्चे पद्धर ते विआह होना सी। हुण आपां उत्थे पहुंचदे शिवजी ने भाई गल मननी पई उन्होंने की किया जबान देती तो कन्नों सुनन लाता मुंडे नूं। कहिंदे भाई आ राह किधर जांदा है उन्हें दसता जी ओ राह जांदा है। हुण हाले दस कदमां ही तुर पे ते मुंडे नूं तां पछतावा हो गया कहिंदा हैलो। शिवजी कहिंदे हुण देख ली मैं तैनूं पहलां कहा सी वी पता नहीं की कहूगा। नेड़े आ गई कहिंदे दस भगता की गल है। कोई आसान नहीं भी ये बंदे भग कोई साध फकीर ही होना है तकड़ा भगत होना है जिन्हें मैंने जबान दिती है जां कन्नों सुनन लाया। जवानी च इन्हां चीज़ों वाल ख्याल नहीं करती ढाक के हथ करके खड़ा हो गया। कहिंदा गल बोल तो कोई खास नहीं मैं तो कहिंदा 20 मिनटां दा ऐ सोची जाना है भी आप तो तुसीं जटां वाले साध हो इन्ना कि सोहना पीस कित्थों लई फिरदे हो। रब नूं भी नहीं बख्शदे रब नूं भी टोकी दसदे। जवानी एक ऐसी चीज़ है 35 सालों तो बाद रब नूं हाजर नाजर मनन लगदे। हुण अद्धे क तां खैर सुख मना ली अद्धिआं कने अगले साल की मनाउणी है। जिहड़े परिवार वाले ने आपदे परिवार लई आए आ हुण आ जिहड़े अपने बीबे भाई आए ने कोई परिवार लई थोड़ी आए ने। कोई कहिंदा हुण मेरा विआह हो जाए कोई कहे कनेडा का वीजा लग जाए कोई ये कनेडा एक बहुत वड्डी भुल होई पई है लोकां लई पर फिर भी कहिंदे अपना मुल्क माड़ा नहीं इत्थों दा कानून माड़ा है। जे कनेडा मुल्क वाल जा बाहरले लोगों वाल अपनी जनरेशन भजदी है तो उधरले कानून अच्छे ने उधर की जिहड़ी सियासत है वह अच्छी है। हुण कोई किसी नूं प्यार ना कहिंदा है कि ढेरियां वे ढेरियां वे ढेरियां तू ना भी पग ना बन वे तैनूं नजरां लगणगियां मेरियां। हुण जवाब अगों घड़िया पिया बड़े प्यार नाल जवाब है कहिंदा ढेरियां नहीं ढेरियां नहीं ढेरियां नहीं ना भी पग बन लैण दे नहीं साडे पिंड विच मिर्चां बथेरियां। बुढ़िया आम करके डंडी वालियां मिर्चां वारदियां ने सत्त मिर्चा पूरिया। हुण वाई दी वे मिर्चा च बी है नहीं फिर गंध कित्थों आऊगी फिर कहणगे आह नज़र नहीं लगी।
ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਧਾਂਸ ਨੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜੂਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਤਾ ਧਾਤਾ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਆਂਟਲ ਮਿਰਚਾਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਵਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਬੀਬਾ ਜੀ
लेडीज फर्स्ट, बहुत देर बाद साड़ियां भैणा दी फरमाइश आई है। आ कम करके फिर बैठ तू जाई बाबा जी, आ वेख भाबीए हीरे तेनू रांझा तां नहीं पारदा, पहला आ कम करके फिर बैठ तू जाई बाबा जी। पर उस तो पहला मैं एक छोटी जी गल सुनाउण लगी हां, साडे मुलाजम साहिबान खड़े ने, अज जां तां छड़दे नहीं जी, गड्डी थाने चलाउणगे, देखी जाऊ जी देखी जाऊ जी, हुण रिस्क लै तां लिया। कहिंदे मगर मैदान चों मुड़न वाले भी फिर कायरी कहाउंदे ने, पर एक गल है कहिंदे जिथे हद तो रह के कोई भी मजाक कीता जावे ओ सही हुंदा है। हद दा हमेशा अच्छे कलाकार नूं, पढ़े लिखे कलाकार नूं पता होना चाहिए। कहिंदे हद तो वध कोई भी मजाक करदे आपां, जे कोई अपने नूं करे सम तो आपदे ते ला के देखो भी हद तो वध जदों आपां नूं कोई करदा है उदों नहीं, पर मेरी हर गल हद दे अंदर हुंदी है। हुण अज तां सुख नाल मौसम ठंडा है, बोर्ड दे थले बैठे हैं, जेठ हाड़ दा महीना, अजकल हाड़ ही चल रहा है। आम करके पिंडां च मिनी बसां चलदियां हुंदियां ने, निक्कियां निक्कियां ते खचा खच भरियां हुंदियां, एक दो ही टूर जिहड़े पिंडां चों निकलदे ने। हुण कनैक्टर ने सोचा भी अगले पिंड च जाके बस रोकणी है, जे पांच चार सवारियां चढ़ गईयां तां बंदे लतड़ी दे मर जाणगे, उन्हें डरदे ने, पिछों ही होका लाउणा शुरू करता। कहिंदा भाई बस च इक्को बंदे की जगह फालतू बंदा ना चढ़ियो, इक्को बंदे की जगह फालतू बंदा ना चढ़ियो, बस आके अड्डे ते रोकी। हुण उत्थे दो बंदे खड़े ने, एक तां पिंड दा, शुक्रिया बेटा, एक तां पिंड दा आम बंदा ते एक साडे मुलाजम साहिबान। हुण गर्मी है इन्नी, बुरा हाल दोनों ने, किथे सुरत रहिंदी है बंदे नूं भी कौन की कहिंदा। बस आके रुकी, दोनों ने मारी छाल बस दे अंदर। हुण दुनिया भी देख देख टिक्के कढ़दी है, हुण पुलिस वाले ते तां कनैक्टर दा जोर चलिया ना, जिहड़ा दूजा बंदा सी उहदे गल में हथ पा लिया, कहिंदा क्यों ओए मैं पिछों 15 मिंटां दा संघ फाड़न लग्या है भी बस च इक्को बंदे की जगह फालतू बंदा ना चढ़े, तू क्यों चढ़िया हो। कहिंदा आ कोई बंदा है, कहिंदा आ तां पुलिस वाला है, कहिंदा बंदा तां मैं है। दुनिया इन्हां नूं बंदा ही नहीं समझदी, कोई पत्थर पत्थर दे समझदी, पर दिल भी धड़कदा ना जी, प्यार भी हैगा। पर एक गल है कहिंदे जे इन्हां दा इन्ना रोह ना होवे ना, दुनिया थाने चों चाके लै जी, ये सही गल है जी। कहिंदे रब नूं थले आके रब दसण वास्ते इम्तिहान देना पैंदा है, पर कहिंदे माही मनाउण दे तरीके ने, किसे ने नच के मना लिया, किसे ने गा के मना लिया, ते किसे ने त्या के मना लिया। बोले शाह ने नच के मनाया सी, तानसेन ने गा के, हलो ते साडे पीरां फकीरां ते साडियां पातशाहियां ने त्या के मनाया सी। कहिंदे माही मना जरूर लो, भावें रो के मना लो, भावें पैरां च पै के मना लो, भावें आकड़ना मना लो, माही मनाउण दा वल आउणा चाहीदा है। कहिंदे जिहड़े किसे तरीके नाल माही नहीं ना मना सकदे ओह इंसान नहीं हुंदे। कहिंदे रब पाउण लई पहलां अच्छे इंसान बणो, रब अपने आप नेड़े आ जांदा है। कहिंदे बंदे ते खुदा च कोई फर्क नहीं, बहुता वड्डा फर्क नहीं, इक फर्क है दोनों दे विचाले, इक मैं है। कहिंदे जिद्दण बंदे चों मैं निकल गई बंदा खुदा हो जांदा है, इह मैं अपने चों जांदी नहीं बंदा खुदा बण नहीं सकदा। इहदे नाल ही जी कहिंदे घर दे बजुर्ग ने हुण पिछे बैठे ने, निका 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 काम सुबह तो शाम तक करते हैं, पर साड़ी नवी पीढ़ी कहती है तुम करते की हो, सारा दिन वेले बहने हूँ, सुबह तो शाम तक का काम गिण लो बाबा जी का। कई लोग बड़े प्यार बजुर्गों तो काम कराते हैं, तरीका बड़ा वधिया हुंदा, नाले बजुर्गों को महसूस नहीं हुंदा। हुण सब तो पहला सवेरे 4 बजे तो काम शुरू हो जाता है, धारा कढ के सन्नी रला के चाटी विच मधाणी पा के वड्डे तड़के चाह बना के सब नूं पियाई बाबा जी, बस आ काम करके फिर बैठ तू जाई बाबा जी। उस तो बाद गिद्धे विच ताड़ी वजे भंगड़े च ढोल वे दूर का तो नचे आके नच मेरे कोल वे, गिद्धे विच ताड़ी वजे भंगड़े च ढोल वे दूर का तो नचे आके नच मेरे कोल वे, मैं भी फिर अग दे भमुके वांगू मचूंगी, इत्थे आके नच वे मैं नाल तेरे नचूंगी, इत्थे आके नच वे मैं नाल तेरे नचूंगी। उस पहला बाबा जी वाला गीत Oh!
ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਨੀ ਰਲਾ ਕੇ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਜਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਡੰਗਰ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਅੰਦਰ ਦਬ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਹੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਓਇਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠੂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ ਘਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੂੰਘਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ ਘਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੂੰਘਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਵੱਜੇ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਢੋਲ ਵੇ ਦੂਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨੱਚੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੇਰ ਹੱਸ ਲਈਏ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਖੇਡਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ ਅੱਖ ਟੇਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਟੇਕੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਲਓ ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਤੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੇਠ ਲੋਕ ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਠ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ 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 ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਲਾ ਲਏ ਸੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਹੈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਡੋਲੂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ 5-7 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਖੁੱਚਿਆ ਮਾਸ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਲਈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਦਾਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀਏ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੁ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕਣ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਵੇੜ ਕੇ ਦੋ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਆਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 10,000 ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੇਠ ਦੇ ਦੋ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਐਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਡੱਬੂ ਦੀ ਰੰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਝੂਠੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁਫਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਸੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਢਲ ਗਈ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਚਾਹ ਨੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨੀ ਢਲ ਗਈ ਉਮਰ
साडे मुक गए जानी हुण किवें दिस पिया साडे पिंड वाला राह नी चढ़दी जवानी जदों रंग सूहा लाल सी उदों क्यों ना आई जदों सोलवां क साल सी खुंजे वेले नूं बंदा बहुत रोंदा जी 35 साल तक तो बंदा इन्नी स्पीड नाल जिंदगी जिउंदा है पता ही नहीं लगता भी 35 साल गुजर गए 35 सालों बाद जो थोड़ा जा वेला हुंदा है शीशा वेखदा है जो 5-7 दाड़ी च चमकदे कहिंदा इत्थे गई फिर हथ नहीं आउंदी कहिंदे मुड़ मुड़े आउण तरीका रुत्तां भी मुड़े आउणा चार दिनां लई हुसन जवानी बन के आए परौणा मुड़ मुड़े आउण तरीका कहिंदे रुत्तां भी मुड़े आउणा चार दिनां लई हुसन जवानी बन के आए परौणा कौन रोके दरियावां नूं वे कईआं दे बन मार के लंघ जू जवानी वे हथां ते हथ मार के फिर बैठा रोवेगा जित्ती होई बाजी हार के उस तों पहलां इत्थे आ के नाच फिर तेरी घरे करेगा दो ही गीत ने जी तीन उस बाद साडे उस्ताद गायक जिन्हां नूं हमेशा मैं मनो मनी आपदा उस्ताद मनिया पर कहिंदे कई बार आपां पग दे दिंदे आ पर उह कदर नहीं कर सकदे उहनां पूरनिआं ते नहीं उतर सकदे कई बार बिना सारा कुछ कीतियां बंदा बहुत आदर ते सत्कार करदा है मैं इन्हां दी गायकी अपनाई तां अज मैनूं स्रोतियां दा प्यार मिलिया जे इह गायकी शायद मैं ना अपनाउंदी तां अज मैनूं उह जगह नहीं मिलनी सी हांजी गिद्दे विच ताड़ी वजे बच्चे दे कहे ते अगर खुदा नचद तो समझ लो पार नतारे हो गए अगर मेरे कहे ते अज मेरे उस्ताद जी नचे ने तो समझ लो मेरे वार नारे हो गए
ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ ਨੇ ਕੋਕਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਏ ਧੋਖਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹੋਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ताड़ी वजे भंगड़े च ढोल वे दूर का तो नचे आके नच मेरे कोल वे मैं भी फिर अग दे भमुके वांगू नचूंगी इत्थे आके नच वे मैं नाल तेरे नचूंगी हुण तुसीं नच सकदे हो जी ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਵਜੇ ਭੰਗੜੇ ਚ ਢੋਲ ਵੇ ਦੂਰ ਦਾ ਤੋਂ ਨੱਚੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਵਜੇ ਭੰਗੜੇ ਚ ਢੋਲ ਵੇ ਦੂਰ ਦਾ ਤੋਂ ਨੱਚੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਦੂਰ ਦਾ ਤੋਂ ਨੱਚੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚੂਗੀ ਓਏ 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 ਆਇਥੇ ਆਇਥੇ ਆ
खुशियां